भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। माना गया कि इसकी वजह से बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। वहीं अब कांग्रेस नेता उदित राज ने भी दावा कर दिया है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच अब पहले वाली बात नहीं है, दोनों के रिश्ते बिगड़ गए हैं। उदित राज ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते खराब हो गए हैं, बीजेपी ने आरएसएस को किनारे कर दिया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जबकि बीजेपी राजनीतिक दल है। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, पहले से ज्यादा सक्षम हो चुके हैं, ऐसे में अब आरएसएस की जरूरत उतनी नहीं है। वहीं बीजेपी को मिली हार के बाद आरएसएस के उच्च पदाधिकारी भी लगातार पार्टी पर तंज कस रहे हैं। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम की पूजा करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, इसलिए भले ही वो 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है मगर उसे अकेले पूर्ण बहुमत से जो सत्ता मिलनी चाहिए थी वो उसे भगवान राम ने अहंकार की वजह से नहीं दी। हालांकि इस दौरान उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया।